बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मनाइए सादगी के साथ। चले जी, आज हमने किचन क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की है वो ईद स्पेशल कुनाफा की रेसिपी है। अरेबिक डेजर्ट है और इसको हमने बनाया है विदाउट ओवन। चले अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी सा बना है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी और कितना रिच सा। ये देखें, अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें आप अंदर से इसको अंदाजा हो रहा होगा देखने से ही। देखें, चलें जी अब हम इसे प्लेट में सर्व। ये देखिए मैंने इसको सर्व किया। ये देखें कितना सॉफ्ट और क्रीमी है। ये देखिए। ये जानने के लिए ये रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है विदाउट ओवन, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। रेसिपी को देखिए, इंजॉय करिए और ईद में ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। चले फिर हम चलते किचन क्लोजअप में और आप सबके लिए मजेदार सा क्रीमी सा कुनाफा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल कुनाफा की रेसिपी आज किचन क्लोजअप में शेयर की जा रही है। उसके लिए मैंने लिया फेनिया। अगर आप फेनिया लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं और अगर आप सेवैया लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैं बना रही हूँ फेनियों के जरिए। ये देखिए, ये मैंने लिए 300 ग्राम। अब इनको बारीक बारीक क्रश कर देंगे, बिल्कुल चूरा सा कर लेंगे। ये देखिए, चले चूरा करके अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब इसके अंदर क्रीम रेडी करते हैं। कुनाफा की फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप मिल्क। ये देखिए अरेबिक डेजर्ट है और हम इसको बगैर ओवन के बनाएंगे। दूध में बॉइल आ चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं। ये देखिए, ये डाल देने के बाद जब चीनी हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए मिल्क के अंदर तो हमने लेना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है। ये देखिए, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसके अंदर क्रीम चीज। ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के डाल दें। ये देखिए, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी है और इसको मुस्तकिल हमने चलाना है। ये देखिए, और अभी थोड़ी सी और थिक हो जाए फिर हम इसकी स्टोव बंद कर देंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी कुनाफा की, फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने कुक किया। देखिए कुनाफा की फिलिंग हमारी रेडी हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें इतनी थिक होनी चाहिए। ये देखिए, चलें अब हम इसको रख देंगे। जब तक ठंडा हो जाएगा हम शुगर सिरप रेडी करें। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप पानी और इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए, चीनी को डिजॉल्व होने तक हमने मिक्स कर। ये देखिए चीनी इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है अच्छे से। अब हम ये 2 इलायची डाल देंगे और इसके साथ साथ नींबू का जूस डाल देंगे। 1/2 लीमू मैंने लिया है, इससे ये होगा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी हमारी सिरप में। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे केवड़ा वाटर या रोज वाटर भी डाल सकते हैं आप, 1 टीस्पून। ये देखिए, चले जी अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करें। ये देखिए शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए इसकी। चलें अब हम इसको एक तरफ कर देते हैं। ये देखिए फेनियों में अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पे अनसॉल्टेड बटर और इसको हमने अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए, हाथ की मदद से आपने बिल्कुल के इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए बटर। ये देखिए फेनियों को हमने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून ये देखिए बटर ले लिया मैंने। इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा फूड कलर, 1 पिंच ऑफ के कलर आ जाए। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह करके पहले ये बटर ले लिया हमने, इसको पैन पे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, ग्रीस कर लेंगे। इससे ये होगा हमारा कुनाफा इस पर स्टिक नहीं होगा। ये देखिए अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है, बटर ज़्यादा ही डलेगा। ये देखें, देखें बटर से अच्छी तरीके से पैन को ग्रीस कर लिया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हम एक और पैन लेंगे, ये जैसे मैंने ये वाला लिया, अब इसको भी हम बटर से ग्रीस कर देंगे। ये क्योंकि हम बगैर ओवन के बना रहे हैं तो हमें ये 2 बर्तन चाहिए होंगे।
इसको टर्न करने के लिए बड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसको हमने फ्लिप करना होगा, तो फिर बड़ा हो फ्राई पैन से। ये देख इसको भी हमने क्रीज कर लिया। चले जी अब हम इसकी हम इसके अंदर हाफ डाल देंगे फेनिया। ये देखिए इस तरह करके डाल देंगे और इसको हमने बिल्कुल सेट करना है। ये देखिए सेट कर देने के बाद अब हम इसके ऊपर जो क्रीम हमने बनाई थी ये डाल देंगे और एजेस पे नहीं डालेंगे, एजेस से थोड़ा सा हमने बचाना होगा। ये देखिए इस तरह करके इसको कवर कर लेंगे। ये इस तरह, ये देखिए ठीक है जनाब, इस तरह इसको कवर कर देने के बाद ये देखिए इसके ऊपर फिलिंग कर देने के बाद अब हम इसके ऊपर एक कोटिंग और अपनी फेनियों की कर देंगे इस तरह करके। देखें और इसको फिर हम सेट कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल कवर कर देना है सब जगह से। ये देखिए एक मैंने एक कट कप ले लिया है मेजरिंग कप, इसकी मदद से हमने इसको सेट करना है। ये देखिए बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से हम आज कुनाफा बना रहे हैं। ये इस तरह करके सेट हो गया। अब हमने इसको साइडों से भी इस तरह करके सेट कर देंगे। ये देखिए हर तरफ से अच्छे से हमने इसको सेट कर देंगे। ये देखिए ठीक है जनाब पूरा अच्छे से सेट हो गया हमारा। चले अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल लो हीट होती है होनी चाहिए। ये देखें बहुत हल्का सा चूल्हा चल रहा है हमारा, लो हीट पे हमने इसको रख देना है कम से कम 5 मिनट तक के लिए। अगर आप हीट को ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो नीचे से हमारी सेवइयों के जलने का खतरा है, तो इसलिए हमने लो हीट पर इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए कुक करना है, फिर हम इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए, नीचे से अच्छे से कुक हो गया। ये देखिए बटर भी सारा इसमें से खत्म हो चुका है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो दूसरा हमने पैन लिया था इसको इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे ताकि जो नीचे से पक गया अब ये ऊपर से भी कुक हो जाए। चलो हम फ्लिप। ये देखें बिल्कुल भी पैन में नहीं लगा कहीं से भी। अब हमने क्या करना है, इसको 5 से 10 मिनट दोबारा से नीचे से हमने इसको कुक करना है। ये देखिए कुनाफा हमारा रेडी हो चुका है, हम इसको इसी में सर्व करेंगे। चलें फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर पिस्ते क्रश्ड करके, ये देखें पिस्ते डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी कितना जबरदस्त सा हमारा कुनाफा रेडी हुआ है माशाल्लाह से। अभी हमने इसके ऊपर डालना है शुगर सिरप और सर्व करते वक्त भी हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालते हैं। ये देखें, ये देखिए सर्व करते वक्त हम रखते हैं शुगर सिरप, सॉरी। अब इसके एक सेंटर में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए चलें अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप। देखें अब हम इस स्पून की मदद से इसके ऊपर डाल देंगे शुगर सिरप, जितना भी आप इसमें खाना पसंद करते हैं मीठा, ये देखिए उतना आप इसके अंदर शुगर सिरप डाल सकते हैं और इसको साथ भी सर्व कर सकते हैं शुगर सिरप को। ये देखिए चलें जी अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। Thank you.
मजेदार किस्म का क्रीमी और सॉफ्ट सा कुनाफा हमारा खाने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आपको लगता है बड़ी यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है तो आपने जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और आप सबको फिर से ईद मुबारक। चलें अल्लाह हाफिज़।